तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग इंडिया में कैसे शुरू करोगे, ठीक है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोज़ मिलती रहें, और वीडियो देखो बाकी पूरी। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के दो तरीके हैं, यानी कि जो आपकी स्टोर खुलेगी, जो आपका प्रोडक्ट, जहां पर आप प्रोडक्ट सेल करोगे, जो आपकी शॉप होगी। अब दो तरीके की स्टोर होती है, एक होती है जनरल स्टोर, एक होती है निश स्टोर। अब जनरल स्टोर, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट को देख लो, वहां पर आपको टी शर्ट भी मिलेगी, वहां पर आपको किचन के सामान भी मिलेंगे, वहां पर आपको होम डेकोर के सामान भी मिलेंगे, यानी कि एक सब कुछ मिलती है, एक जनरल स्टोर है वो, है ना। तो आप भी अपनी ड्रॉप शिपिंग जब शुरू करते हो तो या तो आप जनरल स्टोर खोल सकते हो या फिर आप निश स्टोर खोल सकते हो। निश स्टोर का मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी वहाँ पर। जैसे अगर आप आपकी निश चुनते हो आप किचन, तो आपको जो वेबसाइट होगी उस पर आप केवल किचन के प्रोडक्ट रखोगे। अगर आप चुनते हो होम डेकोर, तो आपकी वेबसाइट पे पूरे होम डेकोर के प्रोडक्ट होंगे। यानी कि या तो आप जनरल स्टोर खोलो या फिर आप निश स्टोर खोलो। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। यानी कि पहले आपको स्टेप नंबर वन वो ये है कि भाई पहले आपको प्रोडक्ट खोजना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हो आखिर। तो आप पहले वो डिसाइड करो कि आपको सेल क्या करना है। आप मार्केट में रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद अपना प्रोडक्ट डिसाइड करो कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे निश स्टोर खोलनी है, मुझे जनरल स्टोर खोलनी है। और आप जो भी प्रोडक्ट डिसाइड करो वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में डिमांड हो, उसकी उसकी नीड हो। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है यार, लेकिन मार्केट में अगर उसकी नीड ही नहीं हुई तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि खराब बात है। तो आप पहले मार्केट रिसर्च करो। आप मार्केट रिसर्च करोगे, गूगल से जाकर चीज़ें देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे कैसे चीज़ें सेल हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिक रही हैं। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के स्टैट्स चेक करो कि क्या चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं। आप अलग अलग तरीके से मार्केट रिसर्च करने की कोशिश करो और पता लगाओ कि क्या चीज़ें बिक रही हैं, और उसके बाद आप प्रोडक्ट डिसाइड करो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है या मुझे इस निश में जाना है। और उसके बाद आप अपनी पहला स्टेप आपका हो जाएगा कि भाई पहला स्टेप ये है कि आपको प्रोडक्ट खोजना है कि आपको सेल क्या करना है आखिर। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप के ऊपर। अब दूसरा स्टेप है, जब आपने प्रोडक्ट खोज लिया है तो आपको सप्लायर चाहिए होगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको कौन सप्लाई करेगा, यानी कौन उसको आप तक भेजेगा और आप आगे कस्टमर तक पहुंचाओगे, या फिर वही ड्रॉप शिपिंग में तो वही पहुंचाएगा आपके कस्टमर तक। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो इंडिया में काफ़ी कंपनीज चल रही हैं, जैसे मीशो हो गई, ग्लोरोड हो गया, या फिर इंडिया मार्ट हो गया, जहाँ सर आप प्रोडक्ट जो उनके सप्लायर हैं वो डायरेक्ट आपके कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुँचा देंगे। तो अब आपको वहाँ पर देखना है कि भाई मुझे मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सप्लायर के पास जाते हो, ठीक है, डायरेक्ट सप्लायर से बात करते हो, तो आप वहाँ सप्लायर में ये देखो कि भाई जो भी प्रोडक्ट वो दे रहा है ना, वो डायरेक्ट ही दे रहा हो, यानी कि वो भी किसी और से ले रहा हो और फिर वो लेके आपको दे रहा हो, है ना। तो उसमें आपका मार्जिन कम हो जाएगा। तो जैसे कि ये वेबसाइट्स हैं, जैसे मीशो हो गई, शॉप 101 हो गया, ग्लोरोड हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, वैसे जो शुरू की तीनों ने बताई, मीशो, शॉप 101, ग्लोरोड, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि इंडिया मार्ट में आपको सप्लायर्स दिखाए जाएंगे, अलग अलग टाइप के सप्लायर्स, जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आप सेल करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सप्लायर मिल जाएगा इंडिया मार्ट पर, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आओगे, इंडिया मार्ट पर या फिर आप मीशो, शॉप 101 इधर चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप के ऊपर। अगले स्टेप पे जाने से पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करोगे, ठीक है, उसमें पहले ये देखना कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आप अर्न कर पा रहे हो, है ना। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, तो आप कोशिश करना कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करो या फिर कुछ उसमें और ऐड करो, है ना। अब जैसे कि मान लो ये टी शर्ट है, अब ये टी शर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 550 तक बेच पाओगे या 600 तक बेच पाओगे, अब उससे ज़्यादा इसको 1000 तक लोग खरीदेंगे ही नहीं। यानी कि आपका मार्जिन, अगर मैं इसको 550 की बेचता हूँ तो ये कम से कम मुझे 250-300 तक ही मिलनी चाहिए, ताकि मेरे यहाँ 200 का मार्जिन मिले, पर उसमें फेसबुक एड्स का भी कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है, जो आप ऐड चलाओगे उसका भी कॉस्ट आएगा। तो आप अपनी मार्जिन को पहले देख लेना आपके प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से, कि कितने प्राइस में वो आपको मिल रहा है और आपकी मार्जिन कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ की डिलीवरी टाइम कितना हो रहा है, अगर आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट बहुत लेट पहुंच रहा है, ठीक है, यूजुअली आप 7-8 दिन तक मिलता है, वो अच्छी बात है, 7-8 दिन इज़ अ गुड नंबर, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लंबा जा रहा है वो, कि 10-12 दिन, 13 दिन तक इतने, तो आपके लोग, हो सकता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए या फिर लोग लेने से मना कर दें, है ना। तो उस चीज़ का ख्याल रखना कि भाई जो डिलीवरी टाइम होना चाहिए वो डिलीवरी टाइम कम होना चाहिए, यानी 5-6 दिन या 7 दिन हो तो भी बेटर है आपके लिए। अब तीसरा स्टेप, आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, ठीक है, आपने सप्लायर खोज लिया है, आप कहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है। अब तीसरा स्टेप है आपकी स्टोर खोलना, यानी कि आपकी दुकान खोलना। अब ये ड्रॉप शिपिंग में आप ऑनलाइन दुकान खोलोगे, यानी कि ऑनलाइन दुकान आपकी कहाँ खुलेगी, आपके पास आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को रखोगे। अब वेबसाइट के लिए आप शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करो, क्योंकि शॉपिफाई में आपको सब कुछ दे दिया जाता है मैनेज करने के लिए, बहुत ही आराम से आप
मैनेज कर सकते हो, 14 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है, आप उन 14 दिनों के अंदर आप सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप शॉपिफाई चूज करो, मेरा रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी है या आप अगर वर्डप्रेस से वूकॉमर्स से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप शॉपिफाई पे काम करो, ठीक है। शॉपिफाई के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कैसे आपको वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, कैसे कैसे काम होगा। तो आप पहले क्या हुआ, हमने पहला स्टेप था कि हमने अपना प्रोडक्ट खोल लिया, दूसरा स्टेप हमने सप्लायर खोल लिया, तीसरा स्टेप था कि हमने अपनी दुकान खोल ली है शॉपिफाई पर या फिर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप, यानी कि जो मेन स्टेप है वो ये है कि भाई आपको मार्केटिंग करनी होगी। यानी कि आप देखो अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो होने की लोग आपको जानते हैं, जब आप अपनी प्रोडक्ट उतारोगे अपने वेबसाइट के ऊपर तो आपको उस वेबसाइट पे आपको कस्टमर भेजने होंगे, यानी कि ट्रैफिक भेजना होगा। अब वो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, आपको फेसबुक एड्स से आएगा, इंस्टाग्राम से आएगा, गूगल एड्स से आएगा, तो आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। तो ये काम आपको करना है, यानी कि आपने प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपने एड कैंपेन चलाने होंगे, लोगों को टारगेट करना होगा, वो लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद वहाँ से वो उसको बाय करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई बजट कितना लगाना चाहिए। जब आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे आप पहले टेस्टिंग करते हो, यानी कि आप टेस्टिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, भाई आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप या तो ट्रैफिक ऐड चलाते हो या फिर आप डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड चलाते हो। तो इनिशियल लेवल में मैं आई वुड रिकमेंड, ठीक है, अब देखो ये अलग अलग लोगों के हिसाब से चलता है, जो मेरा हो सकता है मेरा कुछ चल रहा हो बहुत अच्छा चल रहा हो, वही चीज़ आपकी ख़राब चल रही हो, या आपकी कोई चीज़ बहुत अच्छी चल रही हो और मेरी वो चीज़ ख़राब चल रही हो। यानी कि जैसे इनिशियली जब आप ऐड शुरू करते हो तो आप 350 रुपीज़ से स्टार्ट करो या फिर 500 रुपीज़ से स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 350 रुपीज़ पर डे या फिर 500 रुपीज़ पर डे आप इतने का एड कैंपेन स्टार्ट करो फेसबुक ऐड पे, ठीक है, ये फेसबुक ऐड की बात कर रहा हूँ मैं। फेसबुक ऐड पे आप 500 रुपीज़ या फिर 350 रुपीज़ पर डे का कैंपेन स्टार्ट करो, ट्रैफिक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप 2-3 दिन ये ऐड चलाओगे तो आपको आपके स्टैट्स से पता चल जाएगा, आपको शॉपिफाई में भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि आपके लोग जब आ रहे हैं तो वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर लोग साइन ऑफ कर जा रहे हैं या फिर बाउंस ऑफ कर जा रहे हैं आपकी वेबसाइट से, ठीक है। सारे स्टैट्स आपको मालूम चलेंगे, फेसबुक एड्स में भी मालूम चलता है, ठीक है, आपको आता होगा फेसबुक ऐड तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फेसबुक एड्स को सीखे बिना ड्रॉप शिपिंग शुरू मत करना, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई आपको सारे स्टैट्स पता चलते रहते हैं कि जितना आपने पैसा लगाया उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आप जब 2-3 दिन ये ऐड चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लो आपने एक ऐड चलाया 350 रुपये का, ठीक है, एक दिन का, और आप देख रहे हो कि आपको तकरीबन 100-200-150 विजिट हो रही है आपके वेबसाइट पर, यानी कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो प्रोडक्ट थोड़ा सा आप टेस्ट कर सकते हो और ज़्यादा। और हो सकता है अगर आप इतनी ज़्यादा लिंक क्लिक होगी, अगर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप ट्रैफिक ऐड में ही सेलिंग शुरू कर सकते हो, यानी कि सेल हो जाती है उसमें भी। तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना महंगा है या फिर आपका प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर आप टी शर्ट वी शर्ट वगैरह सेल करते हो तो जो आपकी लिंक क्लिक जाती है, अगर आप ट्रैफिक ऐड चलाओगे तो अच्छी खासी चली जाती है और सेल भी हो जाती है, अगर आपने टारगेटिंग बहुत अच्छी कर रखी है तब, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि आपको मार्केटिंग सीखनी होगी, यानी मार्केटिंग का मतलब फेसबुक एड्स। अब आप चाहो तो आप किसी नए बंदे को हायर कर सकते हो जिसको फेसबुक एड्स आता हो, आप उसको हायर करो, वो आपके लिए फेसबुक एड्स चलाएगा, नहीं तो आई वुड रिकमेंड कि भाई आप फेसबुक एड्स सीख लो, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अगर हम पहले इसके पहले एक जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि बजट क्या रखें, देखो बजट अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है, सबका अलग बजट होता है। आप ड्रॉप शिपिंग मिनिमम 5,000 के बजट से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास 5,000 का बजट है तो आप उससे ड्रॉप शिपिंग शुरू करो, है ना। तो आप देख सकते हो कि भाई आपका क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, उस हिसाब से फिर आप आगे काम करो। वैसे आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपना हाथ एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद, ऐसे नहीं कि आपके पास 5,000 हैं, मैंने बोला कि आप मार्केटिंग कर दो, फेसबुक ऐड चला दो, या आपने किसी और की वीडियो देखी उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो जाएगा और आपने बस कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। लर्न करो, सीखो पहली चीज़। देखो यहाँ पर मेन काम क्या होता है, आपका प्रोडक्ट रिसर्च करना, और दूसरा मेन काम होता है कि आपका ऐड सही जगह जाना चाहिए। जब आप अपना ऐड सही जगह पहुँचा देते हो आपकी सेल हो जाती है। तो फेसबुक ऐड्स को सीखो और उसके बाद आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करो। बिना सीखे कोई चीज़ इंप्लीमेंट अगर आप करते हो, अगर आपको नहीं आती है और बस आप चले गए हो कि नहीं मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकती है। तो सीखे बिना कुछ शुरू मत करना, ठीक है। अब हम बताते हैं कि फायदे क्या हैं ड्रॉप शिपिंग के और नुकसान क्या है। तो अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ कि आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, यानी कि आपके पास कोई प्रोडक्ट पहले से खरीदना नहीं पड़ेगा। जब आपको ऑर्डर पड़ता है देन आप अपने सप्लायर को बोलो, सप्लायर आपके वहाँ पर ऑर्डर पहुँचा देगा, उनसे पैसे लेगा और फिर वो पैसे आप तक पहुँचा देगा, दैट्स इट। आपको कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करना है, कोई मैन पावर नहीं लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक पहला फायदा ये होता है। दूसरी चीज़ कि ये लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स के लिए जाते हो तो आपको खुद के प्रोडक्ट बनाने होते हैं, सप्लायर बनाने होते हैं, लोग लाने पड़ते हैं, ठीक है, टीम लानी पड़ती है, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग टीम बनती है, तो वहाँ पर बजट काफ़ी ज़्यादा जाता है। यहाँ पर आप बहुत लो बजट यानी 5,000 के बजट से भी ये ड्रॉप शिपिंग आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाओगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि भाई अगर आपका ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो आप दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई करो, वो प्रोडक्ट चलाओ, अगर वो नहीं चलता है तो अलग प्रोडक्ट को ट्राई करो। तो इस तरह से आप यहाँ पर टेस्टिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा फायदा वो ये लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आप कहीं से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक ऐड चलाना है, फेसबुक ऐड आप कहीं से भी चला सकते हो, ठीक है। शॉपिफाई पे आपको अपने स्टैट्स मैनेज करने हैं, आपको अपने प्रोडक्ट मैनेज करने हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, केवल आपको इंटरनेट लैपटॉप की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं कि बहुत ही लो बजट है। दूसरी चीज़ की इसमें रिस्क बहुत कम होता है। अगर आप ई कॉमर्स में जाते हो तो आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है, बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, उसके बाद अगर वो फेल होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का मिनिमम बजट से ये चीज़ शुरू हो जाती है, एंड देन यहाँ पर रिस्क बेसिकली कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के नुकसान क्या है। देखो, सबसे पहला नुकसान ये है कि आपके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं है, यानी कि देखो आप क्या हो, आप एक मीडियोकर हो जो एक बंदे का प्रोडक्ट दूसरे बंदे को दिखा रहा है, उसको पसंद आ रहा है, तो आप बता रहे हो उस बंदे को कि भाई इसको प्रोडक्ट भेज दो, ठीक है। अब ये बंदा उस तक कब प्रोडक्ट पहुंचाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उस बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट भेजने वाली चीज़ें हैं ये आपके हाथ में नहीं रहती। आप में क्या है, आप फेसबुक ऐड चलाओगे, अपना पैसा लगाओगे, अगर ये लेट करता है देन चांस है कि आपके फेसबुक ऐड के पैसे चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्रॉफिट मार्जिन में लोग काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं, लोग केवल डायरेक्ट अपना देख लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन, फेसबुक ऐड का कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं करते। यानी कि अगर प्रोडक्ट यहाँ पे 200 का है तो आपने 300 का बेच दिया, लेकिन आपने क्या, आपको लगा कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। यहाँ पर अभी आप जब फेसबुक का ऐड चलाओगे उसका भी पैसा आपका लगेगा ही लगेगा, तो वो चीज़ इंक्लूड करनी होगी, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बहुत कम हो जाते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ आप देख के चलो कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, कितने प्रॉफिट में आप उसको बेच सकते हो, है ना। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, आप इस टी शर्ट को आप 1,000 की नहीं बेच पाओगे, ठीक है, ऑनलाइन बहुत कम, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप इसको 1,000 या 2,000 का बेच दो, है ना। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन है प्लस उसको कितने में आप बेचोगे, है ना। और एक चीज़ यह है कि भाई अगर पुअर सप्लाई हो जाती है ना, वो भी उसी में है कि लैक ऑफ कंट्रोल में, अगर आपकी सप्लाई ही गंदी है, यानी कि जहाँ से आपने जो सप्लायर आपका वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, टाइम पे नहीं पहुंचा रहा है सामान को, तो वो चीज़ों से या फिर आपको दिक्कत आएगी। बाकी तो फिर ड्रॉप शिपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको टेस्ट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ सीखने के बाद अगर आपको फेसबुक ऐड नहीं आता तो आप फेसबुक ऐड सीखो, शॉपिफाई सीखना बड़ा आसान है, शॉपिफाई में बहुत आसानी से आपकी वेबसाइट बन जाती है, ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, मैं भी आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा आगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर कोई दिक्कत है आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इफ़ पॉसिबल, अगर मेरे अंडर में होगा वो तो। बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई बताना है वीडियो आइडिया, सजेस्ट करना है, तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इन सबसे रिलेटेड। बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोज़ चेक कर सकते हो जो ड्रॉप शिपिंग इंस्टाग्राम की मदद से, जो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि आप इंस्टाग्राम से कैसे ड्रॉप शिपिंग कर पाओगे, है ना। तो बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।